हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द व्लॉग। तो गाइस अभी का ये सीन है कि अभी फिलहाल हम जो है नहा धो के हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। तो गाइस हम हो चुके हैं नहा धो के तैयार और अभी फिलहाल जो है अभी फिलहाल मैं वैसे तो गाने सुन रहा था यहाँ पे। और वैसे असल में क्या है, वैसे साउंड सिस्टम तो बढ़िया है, वैसे तो साउंड सिस्टम यहाँ का बढ़िया है, वैसे ही है। बट यहाँ हमारे यहाँ जो लगा हुआ है लखनऊ में वो पूरा होम थिएटर सिस्टम है, ये साउंड बार सिस्टम विद वूफर, इसकी भी साउंड अच्छी है। लेकिन हम यहाँ पे जो है अभी हम ज़्यादा तेज़ से सुन नहीं सकते क्योंकि फ्लैट है, आसपास में कहीं प्रॉब्लम ना हो। अभी फ़िलहाल मम्मी का फ़ोन बज रहा है और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपना ब्रंच करने, बिकॉज हैवी नाश्ता अगर मैं कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं फिर लंच नहीं करता। तो ये मेरा, ये हर बार का है मेरा, चाहे जो भी टाइम हो। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपना ब्रंच करने। ब्रंच में मम्मी बना रही हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये ऑमलेट और पराठा, तो इसे खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नेक्स्ट सीन में। और फिलहाल आज मेरा मन हो रहा है, मूड हो रहा है गाने सुनने का, तो अभी थोड़ी देर तो मैं सुनने ही वाला हूँ गाने। बट एक यहाँ पे डिसएडवांटेज है फ्लैट में, यहाँ पे हम तेज़ नहीं सुन सकते, वरना बीट्स वाले म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। और ये सब अगर वहाँ होते तो वहाँ पे तो मैं लगभग बहुत तेज़ सुनता हूँ, लगभग पूरा जो जिस रूम में है वो पूरा रूम हिलने लगता है। बाहर का तो छोड़ो ही, बाहर अक्सर बाहर तक तो चली जाती है आवाज़ यार, बहुत तेज़ सिस्टम है वो भी। वो जो है वो होम थिएटर सिस्टम है, उसके 7 स्पीकर सिस्टम है वो, ये 2 स्पीकर सिस्टम है, तो कुछ थोड़ा बहुत तो फ़र्क रहता है। चलो फिलहाल अब खाते हैं अपना ब्रंच और फिर मिलते हैं आपसे हम जल्दी एक और नेक्स्ट सीन में। फिलहाल अभी बाल गीले हैं, वजह से प्रॉपर शेप में आए नहीं है, वैसे अभी भी ये सेट है, अगर बाहर चला जाऊँगा तो ये ऐसे ही सेट हो जाएंगे। अभी नाश्ता करने में थोड़ा बाल जब सूख जाएंगे फिर इन्हें फिर अपनी शेप में लाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सीन। आज भी शायद कहीं मॉल जाएं एंड मिलते हैं फिर आपसे जल्दी एक और नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट सीन में। बाय बाय। तो गाइज अभी का ये सीन है कि अभी तो जैसे मैंने आपको पहले के सीन में बताया था कि मैं तो हो ही चुका हूँ नहा धो के तैयार और अभी मम्मी ये रही यहाँ पे, मम्मी यहाँ पे और हो गए तैयार, वो बाहर है, बाहर हवा भी अच्छी खासी चल रही है शायद, और नाना जी ये रहे आप देख सकते हो, और लाल जो है नहा रही हैं और मैं तो भाई गाने ही सुन रहा था। तो मैंने सोचा देखो लगभग 11 सेकंड तक अलाउड है गाना दिखाना, 11 सेकंड बाद लग जाता है कॉपीराइट। मैंने मुश्किल से 6 सेकंड दिखाया है तो कॉपीराइट नहीं लगेगा। और फिलहाल जो है व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, जब कहीं जाते हैं बाहर या इनके दोपहर के लंच के टाइम पे अगर याद रहा तो कर लेंगे। सो बाय बाय। तो गाइज अभी का ये सीन है कि अभी फिलहाल हम जा रहे हैं कहीं बाहर, और कहाँ जा रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता, ये मामा मौसी का सरप्राइज़ है। तो पहले तो मैं आपको मिलवाता हूँ मम्मी से, फिर डायरेक्ट पूछते हैं मौसी से कि हम किधर जा। तो मम्मी तो ये रही यहाँ पर, मैं तैयार हो चुकी हूँ, मम्मी भी तैयार है, मैं तो यार सुबह और सुबह से तैयार था, शर्ट वर्ट पहने और जस्ट स्वेट शर्ट डाली है क्योंकि शाम के टाइम तो ठंड हो जाती है, दोपहर में रहती है गर्मी। और ये देख सकते हो अभी मौसी का ऑफिस से एकदम से कॉल आया है, तो तब तक हम आपको और सबसे, नाना जी ये रहे यहाँ पर और नानी ये रही यहाँ पे। और मौसी अब बताइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सरप्राइज है, वहीं जाके हम आपको बताएंगे। अच्छा चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं हम आपसे डायरेक्ट वहीं जहाँ पर हम जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सीन, टिल देन बाय बाय। तो गाइज अभी का ये सीन है कि मामा ये रहे, आपको घर पे मैं मिलवा नहीं पाया था क्योंकि मामा पहले नीचे आ गए थे, हम लोग थोड़ा रुक के आए थे एक मिनट क्योंकि हम मास्क वास लेने में रुक गए थे। और अभी मामा बताइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं गाइज मंदिर, और कौन सा मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल, और इस्कॉन टेम्पल है। तो अभी हम रास्ते में हैं, तो जैसे ही वहाँ तो व्लॉग करते हैं आगे का रिज्यूम, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो गाइज हम आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल के बाहर और ये रहे यहाँ पे मेरी मम्मी ये रही और मौसी ये रही, और ये है इस्कॉन टेम्पल यहाँ का नोएडा का, वैसे एक इस्कॉन टेम्पल का भी बेंगलोर में भी है, हम लोग एक बार जा चुके हैं वहाँ पे।
मेरे को उम्मीद है ब्लॉग के लिए भी जल्दी जाए वहाँ। अभी हम जो है एंटर हो चुके हैं इस्कॉन मंदिर में, और फिलहाल जो है हम लोगों ने अपने शूज तो उतार लिए हैं और चलते हैं हम मंदिर में, क्योंकि बंद होने वाला है। हम लोग थोड़े से लेट हैं, थोड़ा सा नहीं मतलब ज़्यादा लेट है, गार्ड ने बताया कि बंद होने वाला है, तो फटाफट ऊपर ही जा रहे हैं। बंद हो जाए यार फ्लैश। तो गाइस यहाँ अंदर तो मोबाइल निषेध है, लेकिन तब भी बस ट्राई करते हैं। अभी आपने देखा अंदर का, अभी फिलहाल आरती चल रही थी और उसके बाद अब मंदिरों से जा रहा है अपन, और हमारे दर्शन तो सही हो गए और आप लोगों को भी हमने प्रॉपर्ली दिखा दिया है ब्लॉग बना के, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कैम मोबाइल बंद था मेरे ख्याल से, वीडियो शूट अलाउड था, मोबाइल की आवाज़ वबाज़ हो वो अलाउड नहीं था। इसी चक्कर में मैं कुछ बोला भी नहीं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अगर हम कुछ बोलते तो उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होता, प्लस आपको आवाज़ भी ना आ पाती कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि म्यूज़िक मतलब वो आरती के जो है स्पीकर्स पे बज रहे थे ना स्पीकर, और वो सब एक एक जगह एक एक वोकल स्पीकर था, तो इस वजह से आवाज़ ना आती आपको मेरी। थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा ड्रिल्स आ रहे होंगे क्योंकि लाइट भी कम है यहाँ पे, बट वीडियो क्लियर होगी। जो भी हमने जूम करके फ़ोटोज़ ली हैं वो प्रॉपर फ़ोटोज़ हैं, कोई ऐसी फ़ोटो नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो। और वैसे तो हमने कर लिया एक यहाँ राधा रानी स्वीट एंड स्नैक्स है, और एक यहाँ पे ये एक भगवान मूर्ति ये रही। थोड़ा जूम बैक करते हैं इसका। सो गाइज अब देखो यहाँ का एक बढ़िया सा एक पूरा वॉक अराउंड कह रहा हूँ सिनेरियो देखो एक यहाँ का। तो गाइज आपने देख लिया होगा पूरा वहाँ का हमारा जो ये सीन था पूरा मंदिर का, वो हमने बाहर से भी दिखा दिया, अंदर से भी दिखा दिया, अंदर से मना था तब भी दिखा दिया। और अब मामा, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा जीपीआई मॉल। अच्छा, अब हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा, और वहाँ पे कौन सा जीपीआई मॉल, कोई जीपीआई मॉल है तो वहाँ जाते हैं हम। और अभी फ़िलहाल चलो मौसी, और तो ये रहे यहाँ पर, थोड़ा सा अजीब सा आ रहा होगा आपके पास, अब थोड़ा ठीक आया होगा क्योंकि वाइड एंगल पे स्विच था। है जीआईपी मॉल है उस मॉल का नाम। असल में क्या है कि जो वीडियो है ना वो वाइट सा इसी वजह से आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा तो लाइट की बात है। एक हमने जो है वो कर रखा है, क्या कहते हैं, क्या चीज़ कैसा लगा? मुझे तो मंदिर अच्छा लगा। हम लोग बैंगलोर की बैंगलोर के मंदिर हम जा चुके हैं, लेकिन उस टाइम में इतना छोटा था मुझे याद नहीं मंदिर क्या था कैसा था, तो अभी फिलहाल अच्छा ये वाला तो मुझे अच्छा लगा, मजा आया ना? हाँ मजा आया। चलो अब आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ तो गाइस अब चलते हैं हम जीआईपी मॉल, और थोड़ी सी लाइट कम है तो चलो एक काम हम करते हैं इसको बैक कैमरे पे। हाँ तो अब हम जा रहे हैं जीआईपी मॉल, तो अब आपसे हम मिलते हैं फिर डायरेक्ट वहीं पे, सो स्टे ट्यून। तो गाइस अब हम जा रहे हैं पार्किंग में अंदर। अरे अच्छे तो हैं जो भागु ले गया। सो गाइस यहाँ पे लगाते हैं ऐसे, और
मास्क तो हटाए गाइस। अभी जो है हम एंटर हो चुके हैं मॉल में और अब जा रहे हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। और ये है कुछ अंदर मॉल लुक वाइज। लगभग थोड़ा लेट हमें हो जाता है रोज़, जब तक मामा मौसी वापस नहीं आते हैं पहुँचने में भी टाइम लग जाता है, रश है इतना, टाइम हो रहा है फ्रॉक्स इस टाइम पे। टाइम मौसी क्या हो रहा होगा फ्रॉक्स? नाइन फिफ्टीन हो रहा है तो काफ़ी लेट है, तब भी हम शूट कर रहे हैं ब्लॉग और आगे भी और चल के दिखाते हैं। वैसे ये यहाँ पे कुछ हैं, ये देख सकते हैं आप, लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मॉल खाली है। और यहाँ है FBB और बिग बाज़ार इस फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे भी हम हैं। देखा बिग बाज़ार, ये रहा, ये रहे गाइस यहाँ पे, ये एक वाइन शॉप है इधर, फिर ये कॉस्मेटिक्स के स्टोर हैं, रीबॉक का स्टोर है, और ये कुछ इधर से लुक मॉल का। मॉल तो ये भी काफ़ी अच्छा है, अच्छा ह्यूज मॉल है। तो ये देखो गाइस, जैसे ये एक शोरूम है, ये बंद हो गया जस्ट बिकॉज टाइमिंग की वजह से बंद हो गया। हम लोग देर से आए हैं बट अभी भी मॉल में भीड़ कम है, हम देर से आए इस वजह से मॉल में भीड़ कम है, तो व्लॉग बनाने में अच्छा है, वरना रश में आवाज़ होती है, मेरी आवाज़ जो है आप लोगों के पास प्रॉपरली आती नहीं है। और मेरी, मैं ज़्यादा ज़ोर से इसलिए नहीं बोलता ना, फिर अच्छा भी नहीं लगता, भीड़ भाड़ में एकदम से ज़ोर से बोलो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। माइक मैं यूज़ करता नहीं हूँ क्योंकि माइक कोई भी व्लॉगर नहीं यूज़ करता है, वो जो कैमरे वाले होते हैं वो यूज़ करते हैं जो इनका ऊपर माइक रहता है, बट मैं नहीं करता, मैं फ़ोन से शूट करता हूँ ना, इस वजह से मैं नहीं करता। इसका वैसे माइक ओवरऑल बहुत अच्छा है। और ये यहाँ पे ये है यहाँ का लेंस कार्ट का स्टोर, बट ये भी अभी बंद हो चुका है। हाँ बंद हो चुका है। और अब हम जा रहे हैं और ऊपर चलते हैं अब। सो गाइस यहाँ पे हमारी कार पार्क होनी चाहिए थी, बट जहाँ वो गार्ड था हम लोगों ने एंट्री गलत गेट से कर दी। आगे देख रहे हो उधर की तरफ, इधर लगनी चाहिए थी। तो गाइस पार्किंग में तो इधर सामने लगनी चाहिए थी, उधर हमने गलत गेट से एंट्री ले ली, तो इस चक्कर में हमारी गलत पार्क भी हो गई। अब हमें फिर उधर जाना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल ये लोग यहाँ पे बैंड्स देख रहे हैं। मौसी वहाँ पे रहीं, ये रहीं, और शायद कुछ ले रही हैं। सो गाइस अभी जो है यहाँ पे लिया है हमने स्वीट कॉर्न, जो कि ये रहा, तो चलो इसे अभी फिर अंदर थोड़ा बहुत दिखाते हैं आपको, तो स्टे ट्यून्ड। तो ये है कुछ बाहर का यहाँ का सीन। यहाँ सामने है मैकडॉनल्ड और 10 बजे का है क्लोजिंग टाइम मॉल का, और अभी बज रहे हैं 9:30। जाते हैं अभी अंदर, पहले थोड़ा बहुत बाहर का शूट करते हैं। वैसे बाहर अब अंदर जाने का कोई मतलब है नहीं मेरे हिसाब से, तो क्योंकि सारे शोरूम्स हो गए हैं बंद, बिल्कुल भी अंदर कोई है नहीं, इस वजह से हम लोग अब जा नहीं रहे अंदर, क्योंकि 4th-5th फ्लोर तक जाओ और फिर ये रहेगा कि अगर फिर गए भी हम इतना ऊपर और कोई वहाँ पर शोरूम खुला नहीं हुआ तो कुछ देख ही नहीं पाएंगे, हम देखेंगे नहीं, कुछ पसंद नहीं आएगा तो लेंगे कैसे। तो इस वजह से कुछ बाहरी का ही अभी हम शूट करना है। बाहर की भी वैसे लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे लाइट्स वाइट्स काफ़ी अच्छे, इस्कॉन टेम्पल से भी अच्छी लाइटिंग यहाँ पे कर रखी है। और सामने देखो एक और मॉल है, क्या है यार, देखो तुम लोगों को तो, आप लोगों को तो नहीं दिखेगा, अब दिखेगा वेव मॉल। यहाँ से मुश्किल 10-12 कदम की दूरी पे है
अगर हम टाइमली आ जाते तो हम वेव मॉल भी जा सकते थे, बट वेव मॉल हम नहीं जा पाए क्योंकि अब यहीं पे बंद हो रहा है, तो वो तो मेरे ख्याल से जब तक पहुंचेंगे बंद हो जाएगा। तो गाइज अब फिलहाल मॉल में तो हम इतना एक्सप्लोर कर नहीं पाए क्योंकि मॉल बंद हो गया था। तो अब हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स यार, एक तो इसका जूम कब हो जाता है पता नहीं चलता मुझे। अब जा रहे हैं हम अंदर यहाँ मैकडॉनल्ड्स में, होप सो यहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउड हो। और थोड़ा सा वॉइस अब मैं धीरे कर लूँगा क्योंकि अंदर तो कोई वो होगा नहीं, बिल्कुल आराम से वीडियो बन जाएगी। तो गाइज यहाँ पे हमने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है, इनसे हमने किया था ऑर्डर प्लेस, और अब फटाफट से मिल जाएगा हमें अपना वैल्यू जो भी है पैक। सो गाइज हमारा जो मील था वो आ चुका है। जो गेट फैन था ना वहाँ पे, उसने मेरे बाल की धज्जियाँ उड़ा दी, अच्छे खासे बाल मेरे कड़े हुए थे, हेयर का शेप से नहीं गए, सेट थे बाल। मील इसमें है हमारे बर्गर, ये फ्राइज और थम्सअप। थम्सअप बोल दिया है लेकिन अब नहीं आएगा कॉफी टाइम, तो चलो इसमें फिलहाल खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नेक्स्ट सीन में, और या फिर करते हैं अपने ब्लॉग को डायरेक्ट एंड। मौसी पैकेजिंग खोल रही है इसकी, तो फिर मिलते हैं आपसे जैसे ही इसे खा लेते हैं, फिर बाहर नहीं, अब करते हैं ब्लॉग को एंड क्योंकि अब बाहर निकल के कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉग शूट कर नहीं पाएंगे क्योंकि और कोई जगह बची नहीं है जहाँ। अब बाकी आज का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम इस्कॉन टेम्पल गए हैं, फिर हमने मॉल आए, बट मॉल का हमारा मकसद पूरा सॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मीन्स कल हो सकता है कहीं मॉल में, यहीं पे ही है वेव मॉल, हो सकता है कल जल्दी निकल जाए। आज मौसी को लेट हो गया है ऑफिस से आने में, मामा तो टाइम पे आ गए थे, मौसी को लेट हो गया है ऑफिस से आने में, इस वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ गया, वरना आप लोग कहते हैं कि मौसी आती नहीं है ब्लॉग बनवाने, तो इस वजह से हमें रुकना पड़ गया। और अब फिलहाल वैसे ही अब कल देखो आते हैं किसी मॉल में, वेव मॉल है यहाँ पे, वहीं आएंगे अब। तो मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड बी सेफ।